फ्रेंड्स, मेरा नाम है नितिन। वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश इंग्लिश 24/7 मिनट्स। दोस्तों, इंग्लिश याद करना नहीं, इंग्लिश में बात करना सीखे। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो इंग्लिश है वो हिंदी से भी ज़्यादा बेटर हो जाए, यानी कि आप इतनी अच्छी इंग्लिश बोलना शुरू कर दें जितनी आप हिंदी डेली लाइफ में बोल पाते हैं, तो सर उसके लिए छोटा सा काम आपको करना है कि आपको इंग्लिश का इस्तेमाल भी डेली लाइफ में करना है, यानी कि आपको इंग्लिश को भी डेली लाइफ में बोलना शुरू करना है। और दोस्तों, इसलिए आप मेरी वीडियोस की हेल्प ले सकते हैं। बहुत सारी वीडियोस मेरे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है जिनकी हेल्प लेके आप डे टू डे लाइफ में आराम से इंग्लिश में बात करना सीख सकते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज की वीडियो की। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको ऐसे एक छोटे से सेंटेंस या एक्सप्रेशन भी हम इसको बोल सकते हैं, एक्सप्रेशन की बात करने वाले हैं जो डे टू डे लाइफ में हर एक इंसान बोलता है। अगर दोस्तों आप हिंदी में भी बात करते होंगे, फिर भी आप इस वर्ड का इस्तेमाल, इस सेंटेंस का इस्तेमाल जरूर करते होंगे कई बार लोगों से बात करते वक्त। दोस्तों, वो सेंटेंस है आई एम बिजी। आपने कई बार देखा होगा दोस्तों, चाहे हम किसी को मैसेज करते हैं या कॉल करते हैं या फेस टू फेस भी, कई बार ऐसा होता है कि हम किसी से बात कर रहे होते हैं तो इंसान कहता है नहीं यार, आज तो नहीं पॉसिबल है, आई एम बिजी। दोस्तों, आपने देखा होगा ये जो छोटा सा एक्सप्रेशन है, ये मैक्सिमम लोग इंग्लिश में ही बोलना पसंद करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसे नए तरीके बताने वाला हूं जिससे आप इसी एक्सप्रेशन को कुछ डिफरेंट तरीके से बोल सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश बोलने में यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोगों के सामने आती है कि हम लोग इंग्लिश के सेंटेंसेस को याद कर लेते हैं। जो छोटे छोटे एक्सप्रेशन हैं जो डे टू डे लाइफ में हम देते हैं, उन्हें हम याद कर लेते हैं। उसके थोड़े दिनों बाद दोस्तों होता क्या कि वो एक्सप्रेशन बार बार बोलते बोलते, सेम एक्सप्रेशन बोलते बोलते हम बोर हो जाते हैं और फिर हमें लगता है नहीं यार, इंग्लिश तो बहुत टफ चीज़ है, या इंग्लिश में हमें बोर हो रहा हूँ तो हम इसका इस्तेमाल करना दोस्तों बंद कर देते हैं। मैं क्या चाहता हूँ दोस्तों कि नेचुरल वे में आप इंग्लिश बोलना सीखें और सही तरीके से बोलना सीखें, ताकि आपकी जो इंग्लिश है आपको हर बार फ्रेश लगे, आपको हर बार इंग्लिश में बात करने में काफ़ी मजा आए। दोस्तों, जो आज की वीडियो में मैं आपको यही कुछ तरीके बताने वाला हूँ कि अगर आप किसी से आई एम बिजी कहना चाहते हैं तो उसके क्या नए ऑप्शन हो सकते हैं जिनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं इंग्लिश में रिप्लाई देते वक्त। दोस्तों, अगर पहले हम हिंदी की बात करते हैं, मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि यार कहीं आप, मैं कहीं घूमने जा रहा हूँ, आप मेरे साथ चलोगे? आप दोस्तों हर बार तो मुझे आई एम बिजी नहीं बोलोगे। अगर हम हिंदी की बात करें तो हम हर बार अलग अलग एक्सप्रेशन देते हैं, नहीं यार आज मैं कहीं जा रहा हूँ, नहीं यार आज मैं कुछ काम कर रहा हूँ, आज मेरे पास बहुत टफ शेड्यूल है, आज मैं कहीं नहीं जा सकता। हिंदी में दोस्तों देखा आपने कितने अलग अलग एक्सप्रेशन हम दे रहे हैं, पर इंग्लिश में सिर्फ आई एम बिजी। दोस्तों, आज हम इसको बदलना सीखते हैं कि इसी एक्सप्रेशन को नए तरीके से कैसे बोल सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं पहले एक्सप्रेशन की। सबसे पहला एक्सप्रेशन जो आई एम बिजी को रिप्लेस करके आप बोल सकते हैं दोस्तों, वो है आई एम रियली बिजी। हिंदी में दोस्तों कई बार बोलते हैं नहीं यार आज तो मैं नहीं जा सकता, आज सच में मैं बिजी हूं, है दोस्तों। तो इसकी जगह पे आप इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, आई एम रियली बिजी। इसको हिंदी का मतलब हुआ दोस्तों मैं सच में बिजी हूं। दोस्तों, आई एम बिजी ना बोल के आप इसको ये भी बोल सकते हैं आई एम रियली बिजी, तो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा कि जो ऑप्शंस मैं आपको बताने वाला हूं आप सिर्फ इनका इस्तेमाल कीजिए, मैं आपको बस सिंपल से एक्सप्रेशन वो समझा रहा हूं जो आप डे टू डे लाइफ में हिंदी में इस्तेमाल करते हैं जब आप किसी को कहना चाहते हैं कि मैं व्यस्त हूं। दोस्तों, आई एम बिजी को हिंदी में कहते हैं मैं व्यस्त हूं। आप किसी को यही तो बताना चाह रहे हैं कि मैं बहुत बिजी हूं, मैं बहुत व्यस्त हूं, तो मैं ये काम नहीं कर सकता। दोस्तों, उसको इंग्लिश में अलग अलग तरीके से हम कैसे बोल सकते हैं, पहला तरीका दोस्तों ये हो गया। दूसरा तरीका जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो है दोस्तों राइट नाउ आई एम वेरी बिजी, नहीं यार अभी तो मैं बहुत बिजी हूं। दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा ना, आप कुछ काम कर रहे हैं, कोई आपके पास आया या चल कहीं घूमने चलते हैं या मुझे कुछ काम है, कुछ भी ए टू जेड कोई भी दोस्तों वहाँ रीजन हो सकता है, तो हम क्या बोलते हैं नहीं नहीं अभी मैं बहुत बिजी हूँ। तो दोस्तों, हिंदी में जो आप एक्सप्रेशन बोल रहे हैं इसे इंग्लिश में भी आप बोल सकते हैं राइट नाउ आई एम वेरी बिजी। दोस्तों, मैं आपको समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूँ कि धीरे धीरे सारी चीज़ों को स्विच कीजिए। दोस्तों, ऐसे बहुत सारी फ्रेजेस भी होती, मैं चाहता तो आपको वो याद करा देता। दोस्तों, मेरा तरीका वो है ही नहीं, मैं नहीं चाहता कि आप कुछ भी चीज़ याद करके बोले, इसलिए दोस्तों सारे नेचुरल एक्सप्रेशन मैंने यहाँ पे यूज़ किए हैं जो आप हिंदी में ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहे हैं जब आप किसी से बात करते हैं, बस उनको इंग्लिश में रिप्लेस करना मैं सिखा रहा हूँ। इसके अलावा भी दोस्तों बहुत सारे ऐसे तरीके हो सकते हैं जो हिंदी में आप बोलते हैं उस समय जब आप किसी को कहना चाहते हैं कि मैं व्यस्त हूँ, बस उनको इंग्लिश में आपको रिप्लेस करना है। फिलहाल दोस्तों, बात करते हैं तीसरे तरीके की, सॉरी आई एम बिजी इन सम वर्क। दोस्तों, सॉरी हमने यहाँ क्यों इस्तेमाल किया, क्योंकि दोस्तों एक तरह से आप किसी को अगर मना कर रहे हैं तो एक मैनर्स है, इंग्लिश एक बहुत अच्छी लैंग्वेज है, तो उसमें दोस्तों एक मैनर्स है कि हम किसी को बोलते हैं माफ कीजिए यार अभी तो मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, माफ कीजिए अभी मैं ये काम नहीं कर सकता, है दोस्तों। तो सॉरी आगे हम क्यों लगाते हैं हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, ताकि हम अपने जो मैनर्स हैं वहां पे हम शो कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आप इंग्लिश में किसी को मना कर रहे हैं कि नहीं, बस सीधी सी बात है, अगर आप आई एम बिजी बोल रहे हैं इट मीन्स आप ये बताना चाहते हैं कि अभी मैं आपके साथ नहीं जा सकता, अभी मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता, उसे दोस्तों इंग्लिश में आप कैसे बोल सकते हैं, सॉरी आई एम बिजी इन सम वर्क, माफ कीजिए अभी मैं कुछ काम में व्यस्त हूं तो अभी तो मैं कुछ नहीं कर सकता, है दोस्तों। तो आई एम बिजी ना बोल के आप क्या बोल सकते हैं, सॉरी आई एम बिजी इन सम वर्क। अगर उस समय आप कोई काम कर रहे हैं, जिस समय आपसे कोई किसी ने कुछ जाने के लिए ऑफर किया, तो उसके जगह पे आप आई एम बिजी ना बोल के इस वाले सेंटेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट तरीके की, सॉरी आई हैव सम वर्क। दोस्तों, इसमें और इस तरीके में थोड़ा सा ही अंतर है, वहां पे हम बोल रहे थे आई एम बिजी इन सम वर्क, यहां बोल रहे हैं आई हैव सम वर्क।
नहीं यार माफ़ कीजिए मुझे कुछ काम है ना दोस्तों, किसी ने कुछ आपको काम कहा कि चलो यार कहीं घूमने चलते हैं, आपने कहा नहीं नहीं यार अभी नहीं, मुझे माफ़ करो अभी मुझे कुछ काम है ना दोस्तों। तो हिंदी में कई बार हम इस एक्सप्रेशन को बोलते हैं, इंग्लिश में आप इसे कैसे बोलेंगे, सॉरी आई हैव सम वर्क। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट तरीके की, टुडे आई हैव अ हैक्टिक शेड्यूल। दोस्तों हैक्टिक का मतलब होता है व्यस्त, और शेड्यूल आपको पता ही है कि आप जो डे टू डे लाइफ में अपना एक रूटीन बनाते हैं उसको हम लोग शेड्यूल बोलते हैं। तो टुडे आई हैव अ हैक्टिक शेड्यूल है दोस्तों, नहीं यार आज तो नहीं पॉसिबल है। कई बार होता है हम दोस्तों मना करते हैं कि नहीं अभी नहीं, तो कहते नहीं चल दोपहर में चलेंगे या शाम में चलेंगे। तो कई बार दोस्तों होता है कि डे टू डे लाइफ में ऐसा होता है कि हम लोग टाइम को शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं। अगर वो इंसान को अगर चल शाम में चलते हैं तो आप क्या बोल सकते हैं कि नहीं यार आज पूरा दिन नहीं मैं बिजी हूं, तो आप उसी जगह पे बोलेंगे टुडे आई हैव अ हैक्टिक शेड्यूल कि आज मेरा एक व्यस्त शेड्यूल है तो आज मैं आपके साथ कहीं जा नहीं सकता। तो इंग्लिश में आप इसको इस तरह से बोल सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट तरीके की, नॉट पॉसिबल टुडे सॉरी, एक छोटा सा एक्सप्रेशन दोस्तों हम वहां बोल सकते हैं। मान लीजिए आप बहुत काम कर रहे हैं, उसी समय कोई इंसान आपके पास आया, उन्होंने कुछ आपको कहा काम करने के लिए, तो आप छोटा सा एक्सप्रेशन भी दोस्तों वहां बोल सकते हैं, नॉट पॉसिबल टुडे सॉरी, नहीं यार आज पॉसिबल नहीं है मुझे माफ करो, है ना दोस्तों। क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक्सप्रेशन हम चेंज कर रहे हैं। मैं फिर आपको दोस्तों समझा रहा हूं कि आई एम बिजी बोलने का रीजन क्या है, उसके पीछे जो रीजन है बस उसको समझ लीजिए। बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने ऑन हो जाएंगे और वही जो इंग्लिश जो आपको बोरी लग रही है, जो आपको टफ लग रही है, वो इंटरेस्टिंग लगने लग जाएगी, फ्रेश लगने लग जाएगी। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट तरीके की, सॉरी आई हैव सम अर्जेंट वर्क। अच्छा मतलब दोस्तों जरूरी है ना दोस्तों। तो कई बार होता है कि आप बैठे तो खा लियो, तभी कोई आपके पास आया, कोई फ्रेंड कोई फैमिली मेंबर, उन्होंने कहा जल जाया मेरे साथ जरा कहीं चलना, वो आपके तो नहीं नहीं यार अभी तो बहुत जरूरी काम है अभी मैं नहीं जा सकता, है ना दोस्तों। तो जो हिंदी में हम जो ये सेंटेंस बोल रहे हैं इसे इंग्लिश में आप कैसे बोलेंगे, सॉरी आई हैव सम अर्जेंट वर्क, है ना दोस्तों, मेरे जो बहुत जरूरी काम है तो मुझे माफ कीजिए मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। और दोस्तों लास्ट अगर हम ऑप्शन की बात करें तो सॉरी डैश। अब दोस्तों यहाँ जो आपको डैश नजर आ रहा है वहां पे आप उस इंसान का नाम यूज कर सकते हैं। मैं आपको बताना है दोस्तों सारे नेचुरल तरीके में आपको बताना चाहता हूं जिससे आप धीरे धीरे इंग्लिश को अपने दम पर बोलना सीख जाए, याद करके नहीं। तो सॉरी का डैश मतलब दोस्तों जिस इंसान से आप बोल रहे हैं, मान लीजिए आप मुझे मना कर रहे हैं, मैंने आपसे कहा कि चलिए घूमने चलते हैं और आप मुझे मना करना चाहते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, मान लीजिए मैं आपका फ्रेंड हूं तो सॉरी नितिन, या डैश में आप मेरा नाम पुट कर देंगे वहां पे, आप उस इंसान का नाम करेंगे जिस फ्रेंड फैमिली मेंबर जिसको भी आप मना कर रहे हैं, सर भी हो सकते हैं मैम भी हो सकते हैं, जो भी जिनको भी दोस्तों आप बात कर रहे हैं उनका नाम वहां पे आप यूज करेंगे। सॉरी जैसे आप मेरा नाम यूज करेंगे तो सॉरी नितिन आई एम गोइंग विद, और जो आगे जो डैश आ रहा है वहां पे आप वो रीजन पुट कर देंगे जिनके साथ आप जा रहे हैं, जैसे आई एम गोइंग विद माई फैमिली, आई एम गोइंग विद माई फ्रेंड्स, है दोस्तों। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है, नेचुरल तरीका है किसी को बताने का कि मैं बिजी हूं अभी मैं आपके साथ नहीं जा सकता। सो सॉरी डैश, यहाँ पे वो नाम आपने यूज किया, उसके बाद आई एम गोइंग विद और डैश में फिर से आपने वो रीजन या उनका नाम यूज किया जिनके साथ आप जा रहे हैं। दोस्तों ये कुछ नेचुरल तरीके थे जिनका इस्तेमाल करने के बाद आप आई एम बिजी को ही एक नए और एक इनोवेटिव तरीके से बोल सकते हैं। इसके अलावा भी दोस्तों बहुत सारे तरीके हो सकते हैं जो आपके माइंड के अंदर है। मैं फिर से कह रहा हूं जैसे आप दोस्तों हिंदी बोलते हैं, आप ध्यान दीजिए आप हिंदी को कभी याद नहीं करते, जैसे आप किसी से बात करते उस समय जो आपके माइंड में क्लिक करता है बस वो एक्सप्रेशन आप दे देते हैं। दोस्तों एक लैंग्वेज का इस्तेमाल हम एक्सप्रेशन देने के लिए तो करते हैं, अपनी थॉट्स को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं, बस वही आपको इंग्लिश के साथ भी करना है। जब भी आप किसी को बोलना चाहते हैं कि आई एम बिजी, उसकी जगह या तो आप इन ऑप्शन का इस्तेमाल जो मैंने आपको बताया, और या तो फिर आप जो हिंदी में उस समय आपके माइंड में आ रहा है बस उसी को इंग्लिश में करके बोल दीजिए। उसके बाद भी अगर दोस्तों आपको कुछ दिक्कत आ रही है, उस एक्सप्रेशन को आपको इंग्लिश में बदलने में दिक्कत आ रही है, जो आई एम बिजी की जगह आप बोलना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, उसमें मैं आपकी हेल्प करूंगा। दोस्तों मेरा चैनल स्टार्ट करने का मोटिव यही था कि मैं आपकी इंग्लिश को परफेक्ट कर पाऊं। आई होप सो दोस्तों आज जो सारे ऑप्शंस मैंने आपको बताए, जो सारे सेंटेंसेस मैंने आपको बताए, आपको काफी पसंद आए होंगे, और आज के बाद आई एम बिजी ना बोल के आप इन ऑप्शंस का इस्तेमाल जरूर करेंगे या उन ऑप्शंस का जो आपके दिमाग के अंदर ऑलरेडी हैं। अगर दोस्तों आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा, इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो लोग भी इसका यूज कर पाएं और आई एम बिजी को कुछ नए तरीके से बोलना सीख पाएं। अगर दोस्तों आपको मेरे चैनल से कुछ भी बेनिफिट मिल रहा है, आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो रही है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल पाए और कोई भी यूजफुल वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।